पहले मेरे मम्मी मेरे को ग्राउंड पे छोड़ने आते थे जब छोटे थे तब Naughty थे आप क्रिकेट घर <laughs> पे भी ही खेलते तो शीशे वगैरह की शुरुआत कहाँ से, हुई? से, मैं से मैं पढ़ता था में। करके एक कोच थे तो उन्होंने पहले स्टार्ट करवाया था क्योंकि हमारे पहले भाई अब फोर्टीन में नाम नहीं आया था हमारे उधर अंडर फोर्टीन नहीं होता था वो टाइम कैसे क्योंकि हमारे यहाँ तो फोर्टीन शुरू से ही चलती आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल भाई वेलकम टू द शो हार्विक भाई थैंक यू भाई। और थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए आज आपका रंजी का मैच खत्म हुआ और आपने टाइम दिया हमें थैंक यू और मैं ये भी बताना चाहूंगा आप पहले विकेट कीपर बैट्समैन हो जो हमारे शो पे आए हो तो मैं चाहता हूँ आप हमें बताओ यार आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई मैं आठ साल का था तब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था मतलब पहले मेरे मम्मी मेरे को ग्राउंड पे छोड़ने आते थे जब छोटे थे तब कि घर पे ऐसे परेशान कर रहा है तो प्रैक्टिस पे छोड़ दिया इसको नोटिस है आप बच्चे में हाँ सारे बच्चों की तरह होते ही है कि घर परेशान कर रहे सबको घर पे भी क्रिकेट ही खेलते थे तो शीशे वगैरह फोड़ते थे तो उन्होंने ग्राउंड पे छोड़ना छट के खुले में खेलेगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा हाँ वही फिर जैसे जैसे खेलते गए दस ग्यारह साल के हो गए तो पता चला कि क्रिकेट क्या होती है मतलब तो कोचेस ने सिखाया कि कैसे खेलते हैं वगैरह पहले तो टेनिस बॉल से ही ज़्यादा खेलते थे बड़े से ग्राउंड में मैचेस खिलाते थे हमें वहाँ पर बेसिकली मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ भावसी जी क्रिकेट क्लब में मैं पहली बार एकेडमी में गया कौन सा क्रिकेट क्लब भावसी जी क्रिकेट क्लब हमारे भावनगर में एक क्लब है गुजरात में है yeah, गुजरात में गुजरात भावनगर में है तो मैंने मेरी क्रिकेट की जर्नी वहाँ से स्टार्ट की है तो फर्स्ट टाइम जब ग्राउंड में जाके बैट पकड़ा तब तो कैसा लगा कोच वोच कौन मिले किसने कुछ समझाया नहीं इतना तो याद नहीं मुझे कब मैं कितना छोटा था तब मेरे को ग्राउंड पे छोड़ के आए थे तो पहले समर कैंप्स हुआ करते थे तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि समर कैंप में गए तो फिर आ, समर कैंप अटेंड किया फिर वापस स्कूल जाने लगे और वापस समर कैंप आया तो ऐसे दो तीन साल चला फिर ग्यारह बारह साल के हुए तो तब अच्छी आ, अच्छी तरह के क्रिकेट स्कूल गेम्स होते थे हमारे उधर कि अंडर ट्वेल्व हुए अंडर 14 हुए तो वैसे खेलना स्टार्ट किया पता है कि पहली बार वाइट ड्रेस पहनी कि मैचेस खेलने के लिए ये कम्पल्सरी होती है तब, तब जाके पता लगा ये है क्रिकेट हाँ उससे पहले उससे पहले, पहले तो, तो एकदम फन के लिए खेलते थे कि रोज शाम को गए चार से साथ खेलो जाओ मज़े करो और तुम्हारी मम्मा छोड़ के आती थी ग्राउंड में हाँ मेरे को रोज़ छोड़ने आते थे वो पहले क्योंकि तो इतना पोर फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे तो मेरी ड्राइवर वगैरह होते नहीं थे तो मेरी मम्मी मेरे को खुद छोड़ने आती थी तो मतलब मम्मी का सपोर्ट ज़्यादा रहा क्योंकि जो अभी तक आए जिनसे भी जो सबके किसी के पापा का किसी के चाचा का इनका ही सपोर्ट रहा है नहीं नहीं मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है पापा का भी रहा है पर मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा रहा है क्योंकि मतलब तो स्कूल छोड़ना वापस आना फिर प्रैक्टिस कर छोड़ना ट्यूशन जाना तो हर जगह वो मेरे आसपास ही होते थे और वही करती थी सब कुछ हाँ वही हाँ वही करते थे कि खाना बनाना भी उन घर का भी बहुत सारा हाउस वाइफ थे तो बहुत सारा काम उनको होता था

तो उन्होंने पहले स्टार्ट करवाया था क्योंकि हमारे इधर दर ट्वेल्थ में स्कूल गेम्स होते हैं तो किसके ट्रायल्स होते थे और स्कूल के ट्रायल्स होते थे पहले कि स्कूल के भी ट्रायल्स होते थे हाँ अंडर स्कूल के मतलब सारे बच्चों को ऐसे क्लासरूम के बाहर बुलाया फिर उनसे बॉल डलवाते हैं बैटिंग करवाते हैं तो पता चलता है कि कौन कौन है मतलब तो ग्यारह बारह साल मतलब बहुत छोटे होते हैं सेवंथ एट्थ स्टैंडर्ड्स में कीपिंग जब से शुरू हुई है उसके बाद शुरू हुई थी तब से ही कीपिंग से चालू हो गई है मेरी कि ग्लोव्स स्कूल के स्कूल की किट बैग्स होती है तो उसमें ग्लोव्स रहते थे तो कोच ने बोला कि चलो बैटिंग के ग्लव की जगह तो हमने कीपिंग के ग्लव पहले विक कीपर की जगह भी खाली थी तो और मैं मैं प्रैक्टिस करता था पहले से बहुत सालों से क्योंकि तो मेरे को मम्मी अकेडमी छोड़ती तो सर को पता था कि ये क्रिकेट खेलता है तो मेरे को कैप्टन भी बना सकते तो कैप्टन के लिए सबसे सेफ जगह कीपिंग है कि वहाँ से वो सब कुछ हैंडल कर सकता है सबको बता सकता है तो तो ये स्कूल की बात है सारी हाँ ये सारी स्कूल की बात है तो फिर धीरे धीरे अकेडमी में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा हाँ जैसे स्कूल गेम्स खेलने लगा तो पता चला कि ऐसे क्रिकेट होती है कि अंडर फोर्टीन भी होता है अंडर सिक्सटीन भी होता है फिर अंडर सिक्सटीन स्टेट भी होता है तो वहाँ से क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई पहले बहुत ज़्यादा स्कूल गेम्स खेलते थे स्कूल टाइम में तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई फिर धीरे धीरे स्कूल गेम्स में से ही दी हमारे उधर भावनगर में डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होता है स्कूल गेम से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होता है क्योंकि बाकी स्टेटों में तो शायद डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग ट्रायल्स होते हैं हाँ पर हमारे उधर बहुत छोटा भावनगर एक छोटा सिटी है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है पर स्कूल गेम्स बहुत सारी स्कूल्स होती है जो अच्छा कॉम्पिटिशन देती है एक दूसरे को तो वहीं से ही उनको ईजी होता है पिक करने के लिए कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनाने के लिए तो आप शुरू से ही सौराष्ट्र से खेले हो

नहीं और नहीं। एक बार हम वेस्ट जोन के अगेंस्ट मैच भी खेले अंडर फोर्टीन का मुझे आइडिया नहीं है वो टाइम पे नहीं होते हमारा उधर पहले अंडर सिक्सटीन से स्टार्ट होता था कि अंडर सिक्सटीन स्टेट हुई फिर नाइनटीन और फिर ट्वेंटी फाइव तब ट्वेंटी फाइव हुआ करता था, था तो आपकी जर्नी की स्टार्ट कब मिला आपको क्रिकेट का जब अंडर सिक्सटीन खेले हाँ वहाँ तक की जर्नी कैसी थी पहले डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ था मैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया था कि कुछ एक पचास बनाई थी और एक अस्सी नब्बे की मैच विनिंग इनिंग खेली थी तो उसकी वजह से मेरा स्टेट टीम में नाम आया और सबसे मैं छोटा टीम में था तो कुछ तेरह साल का होगा तब मैं अंडर सिक्सटीन पहली बार खेला था अच्छा तो तब तभी मेरा स्टेट टीम में पहली बार नाम आया था तो ये स्कूल के मैच में स्कोर कर रहे थे या डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में स्कूल में तो बहुत सारे रन किए थे अच्छा फिर डिस्ट्रिक्ट में नाम आया फिर डिस्ट्रिक्ट में स्कोर कर अंडर में फिर स्टेट टीम में मेरा पहली बार नाम आया अंडर सिक्सटीन में तो उसकी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह याद है आपको अंडर से हाँ मैंने मैंने दो पचास बनाई थी मुझे याद है स्टेट के मैचेस स्टेट के मैचेस में एक मुंबई के अगेंस्ट थी एक महाराष्ट्र के अगेंस्ट थी और अब दोनों मैच हमारे पहली बार ऐसा हुआ था कि भावनगर में मैच हो रहे है स्टेट के अंडर सिक्सटीन के वरना हमारा एसोसिएशन राजकोट का मेन मेन एसोसिएशन राजकोट से है तो ज़्यादातर मैचेस उधर ही होते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ था कुछ कि हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट को मैच दिए थे दो स्टेट के तो मैं पहले पहला मेरा स्टेट का मैच है मेरे होम ग्राउंड में खेला हूँ दो अच्छा मतलब इतना छोटे डिस्ट्रिक्ट माना जाता है वो हाँ, मतलब उसको मतलब पहली बार दो मैच दिए हाँ, पहली बार मुझे याद नहीं है है पर पहली बार थे मेरे को किसी ने बोला था ठीक फिर वहां से धीरे-धीरे आपकी तो दिरे काफी दिरे अच्छी चलेगी तो फिर तो 19 मुझे... में आए आप हाँ। तो 19 का क्या था सीधा खिलाया था या उसके भी खेला सबसे अच्छा सीजन कौन सा मैंने उसमें दो बनाई थी मुझे याद है और दो पचास भी थी चारों मैच में मैंने स्कोर किया था हम क्वालिफ़ाई नहीं हुए थे आगे के लिए और तो मैंने चारों मैच में स्कोर किया था उसकी वजह से मेरा नाइनटीन में नाम आ गया था वही सीज़न पे आखिरी सीज़न में आखिरी सीजन, सीजन, सीजन अच्छा उसी साल ही उसी साल सिक्सटीन और नाइनटीन दोनों दो ने खिला दिया यहाँ पे क्योंकि हमारी स्टेट्स में ऐसा बहुत रेयर होता है कि, कि किसी भी बच्चे को 16 से सीधा 19 खिला दियो वो भी सेम साल में लेकिन हमारे उधर होता है कि मैं उसी 16 भी उसी साल खेला था और 19 भी वही वही साल खेला था वही थोड़ा एसोसिएशन का फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे थोड़ा अलग ही प्रोसेस रहता है दिल्ली का तो सब जगह अलग अलग होता है और फिर नाइनटीन का कैसे रहा नाइनटीन भी बहुत अच्छा रहा था पहला साल मेरा कुछ भी और मैंने बहुत स्कोर किया था और जिस साल वर्ल्ड कप हुआ था शायद पहला वाला ऋषभ पंत और ईशान किशन जब कैप्टन थे वो वाला वर्ल्ड कप उस साल अच्छा कुछ उस साल भी खेले हो हाँ उस साल में कुछ बिहार में मैंने बहुत सारे रनस किए थे वो टाइम पे याद है उसकी कोई इनिंग वगैरह

और तो मैं चाहता हूँ यार एक बार आप ना अपना वो जो सौराष्ट्र का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा हमें बताओ क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लग रहा है वहाँ का ना हाँ हमारे उधर बेसिकली भावनगर में ऐसा होता है कि स्कूल गेम्स होते हैं स्कूल गेम्स से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे स्कूल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ होते हैं है। हमारे सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि अगर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट की टीम में आना है तो वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा करना पड़ेगा वो वहीं देखते हैं लोग क्योंकि एक ही ग्राउंड है हमारे उधर Uh, तो वहीं सारे प्लेयर्स आते हैं कोचिज़ आते हैं तो उनको उनको ध्यान में रहता है कि हाँ ये प्लेर्स अच्छा कर रहा है तो अंडर सिक्सटीन के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वही होती है कि स्कूल गेम्स वगैरह में रन किए फिर इंटर टूर्नामेंट्स होते हैं जो क्लब्स के वही कि uh, इंटर क्लब्स के हमारी क्लब है बावसी जिक्री क्लब उसके अंदर अंदर बच्चे खेलते हैं उसमें से भी सिलेक्शन हो सकती है तो वैसे डिस्ट्रिक खेलें डि दिस्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में सीधी स्टेट की टीम बनती है तुम तो अगर अच्छा करोगे तो और समर कैंप्स वगैरह भी उसके बाद लगते हैं फिर हाँ मतलब समर कैंप्स वगैरह इससे हत होते हैं कि जो स्टेट खेला है उन सबको बुलाते हैं अगले साल की प्रिपरेशन के लिए कि अगर राजकोट में कैंप्स लग रहे हैं हमारे समर कैंप्स के तो अंडर सिक्सटीन के जितने भी बच्चे खेले हैं ये साल में तो वो आएंगे वो प्रिपरेशन करके पंद्रह बीस दिन साथ में रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो एलिजिबल है उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा तैयारी करने के लिए और हार्विक भाई ये तो अभी उसके बाद तुम 19 वर्ल्ड कप भी खेले उसकी बात हम करेंगे बाद में जो हम साथ में ही खेले हैं तो मैं ये चाहता हूँ ये बताओ कि जो आपकी यहाँ तक की जर्नी थी उस जर्नी में तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा किसी प्लेयर या पेरेंट का, किस का आ, पेरेंट्स का किसका सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि जैसे मैं ग्रूम हो रहा था तब वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इसलिए मैं खेल पाया वरना नहीं खेल पाता और मैं जब अंडर फोर्टीन था तब शेल्डन जैक्सन थे हमारे उधर मैं उनको देखता था क्योंकि तब सबसे वो इंडिया ही वगैरह खेलते थे उधर तो हमारे क्लब्स में प्रैक्टिस हम एक ही क्लब से खेलते हैं दोनों तो, तो वो हमारे उधर खेलते क्या थे जी क्रिकेट क्लब तो वही एक ही क्लब है हमारे उधर तो वो हम मैं उसके उनको देखता था बचपन में से कि वो इंडिया के कपड़े पहन के आते थे और प्रैक्टिस करते थे मतलब उन उनकी सिक्सिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी है बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं तो यार तभी ऐसा लगता है कि मैं भी उनकी तरह एक दिन खेलूंगा आ, इंडिया के मिली उनको आ, डेफिनेटली बहुत तो उनसे हो थी थी, नहीं, तो नहीं, तो नहीं, नहीं होती थी पर उनको देख के बहुत ज्यादा सीखते थे मोटिवेट होते थे जिस हिसाब से वो आते थे उनका एटीट्यूड उनका अप्रोच क्रिकेट के लिए एकदम टॉप लेवल पे था कि वो जितना प्रैक्टिस करते थे गेम को जितना देते थे तो बहुत सीखने को मिलता था अंडर एज में और भाई जर्नी में तुम्हारी मदर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है तुमने क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर देखे कि लोगों के पापा उनको ले कर जाते हैं ग्राउंड पे छोड़ के आते हैं बट वो काम तुम्हारी मम्मी भी करती थी मतलब एक बहुत बड़ी बात है स्कूल भी वही छोड़ के आती थी नहीं स्कूल के लिए तो ऑटो आती थी, थी लेने के लिए क्योंकि वो एवरीडे लेके आने छोड़ने आने का मुश्किल है तो वो ऑटो आती थी, थी आपको अपनी लाइफ में कब लगा कि मतलब बचपन में कि अब हाँ क्रिकेट ही खेलना है इतना तो श्योर नहीं था पर जैसे क्रिकेट खेलता गया मैं इतना अच्छा कर रहा था कि स्टेट के लिए पिक हो गया स्टेट के बाद सीधा जोनर्स के लिए पिक हो गया चैलेंजर्स के लिए पिक हो गया तो कभी इतना सोचा नहीं कि मैं आगे भी क्रिकेट ही खेलूंगा पर जितना खेलता गया खेलता गया पता नहीं फिर और मन लगता गया मतलब तो फ्लो में चला गया फ्लो में चला गया पता नहीं कुछ सत्रह साल के थे तब तो इंडिया के लिए खेल पिक हो चुके थे हम तो इतना सोचा नहीं था लंबा लाइफ में कि क्रिकेट ही खेलेंगे पर जब मेच्योरिटी आने लगी तब तक तो हम खेल गए थे बहुत ज्यादा तब तक वर्ल्ड कप खेल गया वर्ल्ड कप

उस टाइम सबसे ज़्यादा सीरीज हुई थी मुझे पता है तब तक कि बहुत ज़्यादा टूर्स अंडर नाइनटीन के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा टूर्स और सीरीज आ, व, उसी टाइम हुए थे तो या सारे टूर्नामेंट मैं पहले कुछ बिहार में बहुत अच्छा किया था मैं अरमान जाफर जो नाम सुना आपने तो उन्होंने सबसे ज्यादा लीडिंग स्कोरर थे वो टूर्नामेंट में तब मैं सेकंड से, से, से हायस्ट लीडिंग स्कोरर था वो कुछ भी हार में कुछ भी बिहार ये कौन से सीजन के बाद है थर्ड या सेकंड 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 सीजन तुम्हारा सेकंड था वो हाँ मेरा सेकेंड सीजन था तो तब उस टाइम के बाद नेक्स्ट सीजन आया था तब मैंने वनडे में भी स्कोर किया फिर चैलेंजर्स के लिए बुलाया गया हमें तो तब वहाँ भी स्कोर गया तो एशिया कप के लिए नाम आया था पहली बार ये वनडे वगैरह में वनडे में कितना स्कोर रहा था वनडे में एक सौ थी और चार पचास थी आई गेस मुझे इतना श्योर में ही रन करे हाँ पाँच मैच होते हुए थे वो टाइम पे तो सारे में रन फिर एशिया कप में नाम आया हाँ फिर एशिया कप वहाँ पे चांस नहीं मिला था खेलने के लिए पर टीम के साथ था मैं पहली बार और फिर उसके बाद नेक्स्ट तो फिर वर्ल्ड कप हाँ, में बहुत आपने खाया मेरे को <laughs> इंडियन बहुत था। और इंग्लैंड मिल रहा था जो तो टेस्टी था टेस्टी जो भी था मजा आया था और आपको यार वो वाला मैच याद है जब हम फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे और हमारा वार्म अप मैच हुआ था दो दिन में दो बार आउट हुए थे

तुमने बनाया था हाँ, मेरा में में था मेरा डेब्यू में बट उनकी वो विकेट भी जो मैच वाली थी वो तो बहुत फ्लैट थी बहुत तो स्विंग हो रहा था वो अलग बात है बट विकेट बहुत अच्छी थी बहुत उस विकेट में गड़बड़ थी वो प्रैक्टिस <laughs> वाले में था था। थोड़ा गड़बड़ हो गया था और हार्विक भाई मेरे से ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि अब वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस कैसा रहा या अपनी जर्नी मैं चाहता हूँ यार हमारा वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस तुम बताओ क्योंकि हम दोनों ने फाइनल में देखो साथ में बैटिंग भी करी है वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत तगड़ा था वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट था कि और जब ये मुझे... फीलिंग बताओ मैं चाहता कि तुम बताओ कि जब नाम आया था तब हम मुंबई में थे वो फीलिंग कैसी थी अमित करके हमारे मैनेजर थे उन्होंने पहली बार कॉल करके बताया था कि आप अपना पासपोर्ट लेके ऊपर आओ तो क्योंकि चैलेंजर्स इतना अच्छा नहीं गया था गया था तो रंस बनाए थे सबके पासपोर्ट मंगवा लिए हाँ सबके पासपोर्ट मंगवा लिए थे तो एकदम ऐसे शॉक हो गया था कि क्या हो गया कि नाम आ गया तो फिर घर पे फ़ोन किया कि मम्मी पापा ऐसा नाम आ गया मेरा मेरे को पासपोर्ट लेके ऊपर बुला रहे तो वो तो लोग सब लोग पा, पागल हो गए थे एकदम मम्मी तो अलग ही खुश हो गई मम्मी पापा दोनों बहुत ज़्यादा अलग लेवल फिर नाम आया वैसे ही घर पे भी बहुत अच्छा माहौल था कि सिलेक्ट हो गया है और पेपर में नाम आ रहे थे और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और फैमिली के लिए कि वर्ल्ड कप में नाम आना क्योंकि एक डेढ़ साल से उसी के लिए वेट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप है तो अच्छा करेंगे तो उसमें भी नाम आ सकता है और पूरा इंडिया देखेगा वर्ल्ड कप तो वो बहुत बड़ी बात थी और यार जो हमारी टीम थी मेरे को लगता है वो अब वोद तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी उसका मतलब कंपटीशन मेरे को तो नहीं, नहीं, नहीं। लगा वो बहुत, तो बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी टीम थी बहुत भाई सारे प्लेयर्स हमारे यार आज सब ऊपर लेवल पे खेल रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया देख के सबको खुशी होती है कि सब इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और मैचेस वगैरह तुम्हारे पर्सनल फेवरेट मैचेस कौन से थे वर्ल्ड कप के फाइनल और पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना पाकिस्तान वाला मैच तो काफ़ी इंटेंस था वो तो पाकिस्तान का अगेंस्ट मैच खेलना वो एक सपना होता है कि किसी भी क्रिकेटर के आगे पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना बड़ा मैच खेले भले अंडर 19 था पर वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था पर उस टाइम हमारे वहां पे तो ग्राउंड पे रश भी काफ़ी था और मैच भी काफी इंटेंस हुआ था फुल अंदर बातचीत चल रही थी ग्राउंड में भी बहुत बढ़िया इतना क्राउड में पहली बार खेला हूँ लाइफ में कि इतना इतने लोग हमें देख रहे हैं और हम इंडिया इंडिया चला रहे हैं और हम खेल रहे हैं तो काफी बढ़िया था और फिर पाकिस्तान वाले मैच में तुम्हें याद भी तो है अंदर जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहे थे बढ़िया बढ़िया वो तो होते ही हर जगह हर कोई भी मैच हो रहा उनसे थोड़े ज्यादा इंटेंस हो रहे थे एक उनसे और एक बांग्लादेश से बांग्लादेश का तो है थोड़ा तुम्हारा हिस्सा थोड़ा बोलने में कम था उसमें मैं इतना बोलता नहीं हूँ तो ठीक है बट मुझे वो अच्छे से याद और शुभमन ने सौ बनाई थी उस मैच वो, में वो, बेस्ट मोमेंट और फिर उसके बाद एक मैच तुमने शायद फिफ्टी भी करे थे ना जिस मैच में मेरे को पृथ्वी को बार बिठाया था हाँ वो नेपा, नेपाल नेपाल नहीं जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे थर्ड मैच था मैं और शुभमन ने ओपन किया था तो एकदम सर ने अगली रात को आगे बोला कि तुम दोनों खेलोगे ओपन करोगे तो ऐसे एकदम शौक़ हो गया कि मैं पहले दो मैच खेला नहीं था तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे श्योर नहीं था तो अचानक से मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी मिल गया और मैंने स्कोर भी किया तो बहुत अच्छा मोमेंट था लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्योंकि मुझे उसके बाद लगा कि मेरे को हाँ मेरे को क्वालिफायर में आगे चांस मिलेगा खेलने के लिए तुम्हें तो रात को ही बता दिया था बट हमें सुबह ही बताया कि तुम्हें बैटिंग नहीं करा रहे आज उसमें मेरे को पृथ्वी को बैटिंग नहीं कराई थी ना इस मैच में नहीं कराई थी तुम्हें

उसके बाद जो डांस करा था ड्रेसिंग रूम में बहुत रिहान का वायरल भी कुंभ वाली डांस ऐसा कुछ तो ना बहुत बढ़िया था वो बेस्ट मोमेंट था हमारा ड्रेसिंग रूम मोमेंट वो टाइम के

क्योंकि उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया था वो टूर पे वो क्योंकि दो साल से वो थे ही टीम के साथ तो काफ़ी उन्होंने उसकी वजह से मेरा विकेट कीपिंग की स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ था क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं कीपिंग कर रहा था उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स में मेरे, मेरे डेवलप हुए थे मेरा ग्लव वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था क्योंकि इंग्लैंड टूर पर भी जब हम हम एक डेढ़ महीना थे तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखा थी एन में भी जब हम थे तभी भी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया एनसीए एनसीए में में भी वही वही थे ना यस yes, कोच भाई यू आर वन ऑफ़ द बेस्ट कीपर कीपर आई नो अभी तक तो मतलब बहुत कम विकेट कीपर है जो मैंने मतलब उड़ते है पीछे <laughs> तो यार मैं भी सर ने बताओ और कुछ हमारी ऑडियंस को उसके लिए फिटनेस इज़ द मैंडेटरी चीज़ कि फ़िटनेस तुम्हारा बहुत पीक लेवल पर होना चाहिए कि तुम अगर ओपनिंग करते हो तो विकेट कीपिंग करना एक दिन दो दिन उसके बाद सीधा ओपनिंग बैटिंग करना तो तुम्हें इतना फिट होना पड़ेगा कि तुम इतने कैचेस ले पाओ कोई बॉलर्स इतने मेहनत करते हैं तो अपना काम है कि उसको विकेट्स में तकदीर करना तो वो और तुम्हारा ग्लव वर्क तुम्हारी फिटनेस एजिलिटी फुटवर्क तो बेस्ट चाहिए ही चाहिए तुम्हें और जो कुछ अभय सर ने बताया हो अभय सर ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था मेरे मेरे ग्लव क्योंकि मेरा हाथ मेरे बॉडी से बहुत दूर रहता था वो टाइम पे और मैं मेरा वेट पीछे रहता था तो उन्होंने वो चीज़ पे मेरे इनिशियल मोमेंट्स पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा अभी भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि तो जब वो टाइम था जब जब मेरा बेसिक क्लियर अच्छा हुआ तो उससे ज़्यादा मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ आगे

चैलेंजिंग विकेट है तो ठीक है टर्नर है तो और सीमिंग विकेट है तो हमें पता है कि हमारे पास बॉल आने वाली है पर जब फ्लैट ट्रैक्स होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि दिन की दो बॉल आएगी तीन बॉल आएगी वो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको तुम्हें पकड़ना है नहीं पकड़े तो तुम गए फिर और डेज़ में तो एक टाइम पे ऐसा बोरिंग भी तो हो जाता है और सिर्फ बैट्समैन और कीपर ही दिख रहा है ओ सॉरी बॉलर और कीपर ही दिख रहा है बॉलर बॉल डाल और कीपर के पास बॉल जा रही है पर काफ़ी मज़ा आता है मेरे को डेज क्रिकेट पहले से ही पसंद है तो काफ़ी मज़ा आता है उसमें कीपिंग करने में डेज क्रिकेट की बात आई और मैं ये कहना चाहता हूँ यार रंजू ट्रॉफी आप कंटिन्यूसली खेल रहे हो सौराष्ट्र के लिए यहाँ से हमारे पुजारा भिया और शल्डन जैक्सन वगैरह उनटकट भिया वगैरह भी खेलते हैं तो कितने टाइम से हो गया रंजू ट्रॉफी खेलते हुए वर्ल्ड कप के बाद सीधा रंजी ट्रॉफ़ी खेला था हमारा दो में हुआ था और अठारह उन्नीस वाला सीजन जो होता है उसमें मैंने डेब्यू किया था और ये उनटकट भी और शलन भिया और पुजारा भी आई मेन I mean, ये टेस्ट मैच के तीनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो मतलब अब बहुत लकी हुई कि मेरे को उनके साथ खेलने मिल रहा है क्योंकि ये सौराष्ट्र टीम का सबसे बेस्ट प्लेय चल रहा है तो क्योंकि हम इतनी ट्रॉफ़ीज जीते हैं और हमारे अभी से... लास्ट डिफेंडिंग चैम्पियन भी तुम लोग ही हो रणजी ट्रॉफी जीते थे और पिछले साल विजय सारे भी जीते थे तो डिफेंडिंग चैम्पियंस है तो उन इतना सीनियर प्लेयर के साथ खेलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि चेतेश्वर भैया सौ टेस्ट मैच खेले सौ टेस्ट मैच बहुत बड़ी बात से होती है बात वगैरह हाँ साथ में होते तो कुछ हाँ, समझाया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि वो हमें देख रहे हैं खेलते हुए तो हम उनको जाके पूछ सकते हैं कभी भी कि हाँ अगर ये बॉल पे मैं ऐसा खेल सकता तो क्या क्या होता अगर इस बॉल पे मैंने क्या गलती की तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और वो जब भी भी अवेलेबल होता है तो वो खेलते हैं वो जदय नहीं करता नहीं नहीं चितेश्वर भैया जयदेव जदय Uh, जब भी, भी फ्री होते है तो वो खेलते हैं इवन रविंद्र भाई भी जब भी फ्री होते हैं तो भी वो भी खेलने आते हैं मैंने भी उनके साथ दो मैच खेले हुए तो वो भी जब भी फ्री होते हैं तो बात है हमारी टीम यार वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट टीम है और यार दो बार चैंपियंस भी बने थे तो, टोटल दो बार ही बने हुए ज्यादा टोटल हाँ, दो बार बने और दोनों भी रिसेंटली है रिसेंटली है यस एक कोविड से पहले और एक ये लास्ट वाला लास्ट वाला तो तुजार बह के बारे में थोड़ी बात कर दो उनका नेचर वगैरह कैसा है वो बहुत शांत है एकदम ऐसे वो अपने शांत तो भाई आप भी हो बहुत ज़्यादा पर थोड़ी बहुत खुरफ आती तो हम जानते हैं तुम्हारी पर वो एकदम शांत है उन वो अपने काम में रहते हैं अपने प्रिपरेशन में रहते हैं जब भी प्रैक्टिस में आते हैं तो उनका प्रिपरेशन एकदम सेट होता है उनका माइंड सेट एकदम क्लियर होता है कि आज मेरे को ये एक चीज़ करनी है और ये ये चीज़ कैसे ख़त्म होती है वो अपना ट्रेनिंग करता है फिर ट्रेनिंग करने के बाद सीधा ऑफ चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ऑफ थाट्स आता है कि हाँ ये चीज़ वो जिस हिसाब से अपने बैटिंग पे काम करते अभी भी इतने इतने ज़्यादा रन करने के बाद इतने साल खेलने के बाद तो वो हमें भी मोटिवेट करता है कि हाँ हम भी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं देख लो इतने मैचेस खेलने के बाद भी फिर भी ग्राउंड पे उत, उतनी ही मेहनत करी मेहनत करते, करते। हैं तो तुम्हें कुछ समझाया जो वो माइंड में क्लिक करी हुई कोई बात है बहुत सारी बातें होती है छोटी छोटी टैक्टिकल्स बातें तुम्हारी पर्सनल फेवरेट जो बता पाओ जरा भाई ने आ, पिछले के पिछले सीजन में मुझे बताया था कि जब मैं इन स्विंग पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एल बी डब्ल्यूज़ काफ़ी हो रहा था तो मेरा हेड फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था उसकी वजह से ये आ, मैं अंदर वाले बॉल पे काफ़ी ज़्यादा आउट हो रहा था तो तभी उन्होंने बताया था कि तू तो जितना स्टेबल रहेगा स्टांस में उतना तेरे को लेंथ पिक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बॉल का शाइन बॉलर किस तरफ लेके चल रहा है तो वो पहले से प्रिडिक्ट कर प्रिडिक्ट कर मतलब देख के ख्याल रखा करके अगर शाइन बाहर की तरफ लेके आ रहा है तो नया बॉल पे अंदर जाएगा बॉल या रिवर्स हो रहा है तो कौन सी साइड लेके चल रहा है बॉलर तो वो ज़्यादा चीज़ें उनमें बनाने बताने के बाद मैंने नोटिस मैंने उसको गेम में इम्प्लीमेंट किया तो उस वीडियोज़ वगैरह देखी हाँ वीडियोज़ वगैरह देखी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ उस चीज़ के बाद इम्प्रूव हो गया वो यस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मतलब अपनी तरफ से पूरा दिया एफर्ट उसमें ठीक yes. है और मैं ये पूछना चाहता हूँ ये जो इतनी अच्छी जर्नी रही आपकी इस टाइम में तुम्हारा कौन सा टाइम कहना चाहोगे कि हाँ मेरे करियर का पिक टाइम था और हुँ. मतलब मैं तो चाहता हूँ आगे और भी आए बट अभी तक में कौन सा पीक टाइम लगा आ, मुझे पिछला साल मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि मैंने टी ट्वेंटी से मेरे को सिर्फ दो ही मैच खेलने को मिले थे तो उसमें मैंने एक पचास बनाई थी वन वनडे से मैंने दो दो सौ बनाई थी दो पचास लास थी लास्ट ईयर लास्ट ईयर हम विजय हजारे भी जीते थे और रणजी ट्रॉफी भी मैंने काफ़ी अच्छा तीन हंड्रेड्स मारे थे पिछले साल और हम जीते भी थे ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी तो मेरे को फाइनल में मैंने पचास बनाया था कुशेल तो पिछला साल मेरा सबसे करियर का सबसे बेस्ट साल लगा है मतलब अच्छे फेज में थे बैट बॉल हाँ क्योंकि जब भी मैं ओपनिंग करता हूँ तो मेरे बैट पे बॉल जाके लगती है तो पता लगता है कि यार, बहुत अच्छा एक यार। सीजन गया पिछला तो मतलब उस टाइम होता ना एक बैट पे बॉल लग रही है वो अलग ही लग रही होती है भाई ये तो रही अब आपकी क्रिकेट जर्नी आगे और भी बात करेंगे बट इससे पहले अब हम आपको एक गेम खिलाएंगे जिसका नाम है कड़वा गैस तो हार्विक भाई ये आ गया हमारे करेले के जूस और गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं आपसे तीन क्वेश्चन करेंगे एक तो है गेस्ट द क्रिकेटर मतलब दो गेस्ट द क्रिकेटर है एक फ़ोटो दिखाई जाएंगी और एक का मैं मन में नाम सोचूंगा आपको गेस्ट करना है इंडियन क्रिकेटर ही है और एक आपको ऑडियो सुनाए जाएंगे okay. पहले हम गेस्ट द क्रिकेटर खेलते हैं ठीक है मैं एक इंडियन प्लेयर का नाम सोचूंगा आपको गेस्ट करना है और आपको निकलवाना है मेरे से ओके चलो इंडियन क्रिकेटर ही है मैंने सोच लिया आपको बताया टॉप uh, ऑर्डर है नहीं मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर करंट खेल रहे करंट खेल रहे राइट ही right है लेफ्ट ही है राइट ही कह रहा हो नहीं तीन गेसी मिलेगी बस uh, अभी करंट टेस्ट टीम में है uh, नहीं है सोचो सोचो राइट ही है बोला राइट ही है बहुत इजी है मिल रागर। रागर। और क्वेश्चन पूछो क्या पता मिल जाए वर्ल्ड कप की टीम में थे हाँ वर्ल्ड कप की टीम में और अभी नहीं है श्रेषर तो एक हिंट दे दूं आप खेले उनके साथ सूर्य कुमार है सही गए भाई, भाई। लास्ट गेस्ट <laughs> था तुम्हारा ठीक है अब आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं उसमें गेस्ट करना आपको ये भी बहुत इजी है तुम्हारे लिए चलो एक बार ऑडियो सुना दो इन्हें विराट शिखर शिखर के साथ डेस्टिनेशन में आ रहा हूँ ये वाला तो इजी था आपके लिए अब आपको एक फोटो दिखा रहे हैं उससे गेस्ट करना दो क्रिकेटर के मिक्स फोटो है ओके okay. दो क्रिकेटर के एक तो माही भाई है हाँ मतलब मेन मकसद है पिलाना ही है तो इसलिए है मुश्किल है हाँ श्री रिया ओपन करके दे दोन पक्का पक्का हाँ भाई ठीक है तो हार्विक भाई जब रंजू ट्रॉफ़ी इतने साल खेले उसके बाद तुम्हें आई गेस दिलीप ईरानी और देवदर में भी नाम आया इन तीनों का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ईरानी में तीन बार गया हूँ दो बार सौराष्ट्र की तरफ से और एक बार रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला था पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ भी और विनर विनर्स वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया होता है ना फिर दो साल तुम चैंपियन थे दो साल उसमें मिला चांस हाँ दोनों बार में खेला था पर इतना लंबा स्कोर नहीं करवाया पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और फिर दिलीप में दिलीप में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगी काफ़ी सीनियर प्लेयर थे साथ में जैसे चेतेश्वर भैया थे सूर्या भैया थे फिर सरफराज था पृथ्वी था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ इसमें मिला था चांस हाँ उसमें एक मैच खेला था मैंने फाइनल्स खेला था हम हार गए थे फाइनल्स फाइनल में क्या स्कोर किया मैं <laughs> <laughs> आउट हो गया था बीस रन पर आउंड कुछ क्या okay, पर सीखने को आएगा बहुत कुछ मिला आ, हुआ जब इतने सारे प्लेयर्स साथ yes, sir, काफी अच्छा के साथ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अब बहुत सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं मतलब उनकी मैंटालिटी सीखने मिलती है कि वो क्या करते हैं उनका रूटीन्स क्या होता है वो कैसे अपने गेम को चलाते हैं या गेम्स पे वर्क करते हैं पूरे टाइम और देवधर देवधर मेरा देवधर का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था क्योंकि मैंने देवधर में काफ़ी स्कोर किया था मैंने आई गेस पाँच मैच में चार पचास किए थे तो मेरा काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैंने रेव्यू में भी नाइन्टी फोर बनाए थे तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था वो मेरे लिए देदर में कौन कौन था आपके लिए देदर में प्रियंक भाई थे फिर शिवम दुबे थे फिर राहुल त्रिपाठी थे तो काफ़ी काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स थे उसमें और भाई ये बात तो रही आपकी क्रिकेट की तो मैं चाहता हूँ आप बताओ थोड़ा आपकी जैसे मैच से पहले प्री मैच रिचुअल्स क्या रहते आपके इतना कुछ खास नहीं होता है नॉर्मल उठता है तो मतलब गेम के अगले दिन रात में थोड़े काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन होती है मेरी कि कपड़े रेडी करना एक स्पेशली वो चीज़ होती है कि जो एकदम रूटीन होता है कि, कि सुबह सुबह भूल जाते हैं लेट उठते हैं तो तो वो एक चीज़ है जो मैंने बनाई हुई खुद से कि मैं रात को ही सब कुछ रात को ही सब कुछ रेडी करना है और पाँच दस मिनट में देता हूँ खुद के लिए कि कल विकेट कैसा है कंडीशंस कैसे है तो मैं, सामने वाली बॉलर्स कैसे है तो वो आ, सोचता हूँ कि क्या क्या मेरे शॉट्स रहेंगे आ, उनके विकेट टेकिंग ऑप्शन क्या क्या है तो काफ़ी सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो थोड़ा दिमाग से सोच के प्री प्लान करके जाता है और वो तो गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूट हो पाते हैं यानी तो मैं प्रिपरेशन करने का ट्राई करता हूँ कि जितना मैं खुद को गेम के लिए रेडी कर पाऊँ अच्छा और ट्रेनिंग रूटीन क्या रहता है आपका ऑफ सीज़न और ऑफ सीज़न के बीच में ऑफ़ सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि पूरे सीज़न लॉन्ग सीजन में कीपिंग करना और ओपनिंग बैटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते पर चैलेंजिंग होता है थोड़ा बहुत क्योंकि एवरी टाइम फ्रेश होना क्योंकि सीधा कीपिंग के बाद बैटिंग को जाना तो काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग लगता है तो वही कि ऑफ सीज़न में स्पेशली क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजिलिटी पे बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि जब बॉडी सोर होती है तब तुम कितना क्विकली रिएक्ट कर पाते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिम वगैरह और ग्राउंड ट्रेनिंग वगैरह कैसे मैनेज कर दो इस टाइम में हाँ मतलब अल्टरनेट डेज होता है कि प्लान बनाते वाले ट्रेनर्स है जो प्लान देते हैं हमारे फिटनेस असेस करके तो अल्टरनेट डेज पे एक दिन जिम एक दिन ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग हार्विक भाई ये सारी तो एक क्रिकेट की बात है अब मेरे को बस ये बताओ कि क्रिकेट के अलावा जब आपके पास फ्री टाइम होता है क्या करना पसंद है आपको क्रिकेट के अलावा तो मैं मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है क्योंकि मैं साल के आठ दस महीने हम बाहर रहते हैं क्योंकि हमारा एसोसिएशन भी सौराष्ट्र राजकोट में है आई मेन है तो हमारे कैंप्स वगैरह भी वहीं लगते हैं और पूरा सीज़न राजकोट में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं तो घर घर पर रहने का टाइम बहुत कम मिलता है तो जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे फैमिली के साथ स्पेंड करो घूमना तो फिरना पसंद नहीं है पसंद है पर ज़्यादातर घर पे रहना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो फैमिली मैन हुआ मतलब घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद है ठीक है और इसके अलावा कुछ खाने पीने में पसंद हो मुझे घर के मम्मी के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उस चीज़ को बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते खाता हूँ इतना नहीं बाहर का कुछ अपना फेवरेट फूड बता दो चाइनीज़ वहाँ अच्छा मिलता है हमारे वहाँ नगर में

पुल, ड्रीम बॉलर टू फेस शमी भाई फेवरेट ग्राउंड राजकोट, खंडेरी स्टेडियम, और फेवरेट टाइम पास, पबजी, पबजी, ठीक है, तो भाई दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग अच्छा Thank लगा आपसे यार बहुत टाइम बाद मिल, मिल के और ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग सीजन के लिए बाकी मैचेस बचे अच्छा करो उसमें आप थैंक यू अगेन भाई और आरविक भाई मैं जाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़ यार मेरे कहने पे तो करते नहीं आप इनसे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दो प्लीज़ मेरे भाई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर ठीक है थैंक यू भाई